मानवी और विराट की। आपको पता है इस बार दोनों के बीच छिड़ गई है बास्केटबॉल जीतने की जंग, लेकिन क्या हुआ इस बास्केटबॉल मैच का हाल आप भी देखिए। ये बहुत सेल्फिश किस्म का इंसान है, इसे जब अपने स्टाइल पे अपनी अपने ऊपर बात आती है, अपने स्टाइल की बात आती है, ये सो ब्लडी सेल्फिश है, दूसरे इंसान को किसी भी हद तक जाके यूज कर सकता है। तो मैं बूम, मेरे को आज तक कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं है जिसमें मैंने बूम ये पकड़ा आज तक, नॉट टुडे। इट्स ऑल अबाउट स्टाइल, इट्स ऑल अबाउट कूल बॉल। यार मैं कुछ नहीं, यार मेरा एक कहावत है, जब हाथी चलते हैं ना डॉग भोगते रहते हैं, तो मैं एक हाथी हूँ और तुम एक डॉग हो। तुम हाथी हो, दैट्स ट्रू, बट आई एम नॉट अ डॉग, आई एम नॉट अ सेल्फिश क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। ओके, डॉग इज नॉट सेल्फिश, डॉग बहुत। हम दोनों खड़े बूम मैं पकड़ रही हूँ यार। सुनो मेरी बात, सुनो, डॉग्स सेल्फिश नहीं होते, डॉग्स बहुत वफादार होते हैं। मैं तुम्हें वफादार प्राणी बोल रहा हूँ, ये बहुत वफादार है। ये हमारा डॉग है, हमारा सुनिश्चिता का डॉग, एक हजार में मेरा डॉग है। Listen, I don't want to make things ugly right now. अरे ये क्या, आपने तो यहाँ भी लड़ाई शुरू कर दी। वैसे मानवी के विराट पर लगाए हुए इस इल्जाम को तो हम भी नहीं मानते। अब जरा आप ही देखिए विराट का ये शॉट। अब भला इसे देखकर कौन इनके इस टैलेंट पर शक कर सकता है, लेकिन एक मानवी है कि देखिए कैसे इस शॉट को देखकर अपने आप को डिफेंड करने में लग गई। अगर आई मीन चैलेंज है, मैं फुली फुल ऑन अपना कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और उसे पूरा भी करती हूँ, और अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो मैं ऑलवेज आउट ऑफ इट। मैं कभी उसमें घुसने की, वॉनबीज की तरह घुसने की कोशिश नहीं करती हूँ। और ये जो करके गया, बहुत एग्जैजरेट करके गया है, प्लेड बास्केटबॉल, बट एटलीस्ट इज अ गाय, इज अ टॉल गाय, सो आई कैन नॉट मैच अप टू हिज लेवल, दैट्स ऑल, दैट्स ट्रू। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इस बात से तो हम भी नहीं मुकर सकते। वैसे आप एक मिशन पर हैं, विराट और उनकी गर्लफ्रेंड माया को मिलवाने के लिए। क्या ये मिशन कामयाब हो पाएगा? कभी एक नहीं हो पाएंगे वो, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी विराट और माया एक हो जाएं, बिकॉज आई एम एक्चुअली इनटू इट। मैं जेन्युइनली इन दोनों को पास लाने की पूरी कोशिश करूंगी, और गॉड नोस, और देखते हैं क्या होगा। भाई वाह, आपने तो ये मिशन खत्म होने के पहले ही इसकी पूरी पोल खोल दी। खैर वैसे हमारे एजेंट्स ने हमें खबर दी है कि जल्द ही शो में आपकी और विराट की शादी भी हमें देखने को मिल सकती है, और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को भी मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल तो हम आपकी इस प्यार भरी तकरार को देखकर ही खुश हैं।